हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं पैशन प्रो BS6 मॉडल का, जो कि आ चुकी है 110 सीसी में। और हमारे साथ है कमलेश भैया, जो कोरोना वायरस के चक्कर में मास्क लगा रखे हैं। मास्क हटाइए जरा। जब भी आपको कोई भी गाड़ी लेना हो, हीरो का कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, तो कमलेश भैया से ज़रूर संपर्क करें। अगर इस शोरूम में विजिट करें आप शिवा मोटर्स में, जो कि इलाहाबाद रोड पर है, तो मैं उनका डिस्क्रिप्शन में शोरूम का जो भी सारा डिटेल्स है वो दे दूंगा। तो बेशक आप आइए और गाड़ी पसंद आए तो ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं इस मोटरसाइकिल को। सो फ्रेंड्स, बाइक रेडी हो चुकी है टेस्ट ड्राइव करने के लिए। तो मेरे साथ चल रहे हैं कमलेश भैया, पीछे बैठेंगे वो कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो उनको मैं समझा रहा हूँ कि आप ज़रा मेरा फ़ोन होल्ड करिएगा ताकि वीडियो सही से बन पाए, क्योंकि उसमें मैं कंट्रोल कर रहा था अपने कैमरे को, मैंने एक्शन कैमरे को उससे कनेक्ट कर रखा था। तो चलिए हम गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी में बैठते साथ मुझे ये पता चलता है यार कि सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और इसके जो मिरर्स है वो भी मुझे काफ़ी ठीक लगे, और मीटर जो है वो भी ठीक है। लेकिन यार इसमें जो है रियल टाइम माइलेज नहीं है, जैसा कि बहुत सारे फोरम्स और लोग बता रहे हैं, वेबसाइट्स में मैंने पढ़ा है कि यार ये रियल टाइम माइलेज बताती है, बट ये रियल टाइम माइलेज नहीं बताती है दोस्तों। ये गलत इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता चला जब मैंने टेस्ट ड्राइव की मोटरसाइकिल को। तो चलिए अब चला के मैं दिखाता हूँ। तो फर्स्ट इंप्रेशन की अगर मैं बात करूँ यार, तो बाइक जो है काफ़ी ठीक से चल रही थी, मतलब कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पिकअप अच्छा है, मतलब 9 BHP के आसपास इसकी पावर है, तो पावर के हिसाब से मुझे इसका पिकअप अच्छा लगा। और इसका जो ऑटो सेल टेक्नोलॉजी है यार, तो वो मुझे काफ़ी हद तक ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मैं और अच्छे से इसको टेस्ट ड्राइव करूँगा तो शायद समझ में आए, क्योंकि अभी ये नया व्हीकल है तो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन पावर आउटपुट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इनिशियल टॉर्क भी इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये मोटरसाइकिल 4 गियर के साथ है, तो इसकी जो गियर शिफ्टिंग की तरीका है वो भी काफ़ी स्मूथ है, मतलब कि गियर लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहे थे, ना ही कोई फॉल न्यूट्रल्स वगैरह हो रहे थे, गियर प्रॉपरली डल रहे थे। और जो बाइक की फ्यूलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन काफ़ी लीन रखा गया है ताकि ये अधिक माइलेज निकाल सके। तो उस हिसाब से जो इनिशियल पुल होता है बहुत ज़्यादा तरीके से, जैसे होंडा साइन वगैरह में होता है, वो चीज़ इसमें नहीं है। लेकिन ये चीज़ मैटर भी नहीं करती है यार, 110 सीसी की मोटरसाइकिल है तो आपको अच्छा माइलेज भी एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि ये कम्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल है, इसलिए आप काफ़ी अच्छा माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये माइलेज जो निकालती है ये आपका 65 से 70 का निकाल देगी एवरेज, तो आपको क्या चाहिए, मतलब अगर इतना माइलेज निकालते हैं तो बाइक काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेगी। यानी इसकी जो फ्यूलिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। और अगर हैंडलिंग की बात करूँ तो हैंडलिंग जो है, बार हैंडल जो इसका है वो काफ़ी अपराइट है, आप बिल्कुल इसमें स्ट्रेट होके बैठोगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी बैठने में, मतलब कि आपको लगेगा कि यार बड़े आराम से आप बैठो, आप काफ़ी अच्छे से लॉन्ग ड्राइव्स इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और जो अगर मैं पिलियन कंफर्ट की बात करूँ तो कमलेश भैया भी काफ़ी अच्छे से बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसकी जो सीट की कुसेंट है वो काफ़ी अच्छे है। और अगर मैं इसके सस्पेंशंस की बात कर लूँ दोस्तों, तो सस्पेंशन जो इसका टेलीस्कोपिक सामने का है और स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन जो पीछे लगाया गया है, उसकी जो सस्पेंशन क्वालिटी है, मतलब कंफर्ट काफ़ी अच्छे से दे रखा है। और जो इसकी स्टेयरिंग की कटिंग है वो इस तरह की मोटरसाइकिलों की काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल काफ़ी कम होती है, लेकिन ये तो एक बार में मुड़ जाती है। और जो इसका i3s का बटन है वो मैं ऑफ़ करने की कोशिश कर रहा था, मे बी हो नहीं रहा था, या तो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कि होगा या नहीं होगा। लेकिन ये गाड़ी जो है अगर आप ऑन करके छोड़ देते हो तो ये 15 सेकंड बाद ऑफ हो जाती है ड्यू टू i3s टेक्नोलॉजी के साथ। तो अगर मैं बात करूँ यार इसमें बैठने के बाद मुझे कैसा लग रहा था, बैठने में मुझे काफ़ी ठीक लग रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ी सी बड़ी बाइक लग रही थी और काफ़ी चलाने में भी मज़ा आ रहा था, काफ़ी साइलेंट साउंड है, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा लाउड उस तरह का साउंड नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, उस तरह का साउंड है। और बाइक काफ़ी कंपोज चलती है, काफ़ी निम्बल है, बैलेंसिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और इसको मनोवर भी आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं अपनी हाइट की बात करूं तो मेरी 5 फुट 5 इंच की हाइट है, लेकिन मैं इसमें जो है ना ग्राउंड को टच नहीं कर पा रहा था, तो आप समझ सकते हो ये थोड़ी सी गाड़ी टॉल हो गई है, क्योंकि इसका जो है ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm हो चुका है, पहली वाली से थोड़ा सा ज़्यादा इसका ग्राउंड क्लियरेंस हो गया है। और इसके जो सस्पेंशन है वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, इसलिए इसमें जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप 5 फुट 2 इंच वाले हो या 5 फुट 3 इंच वाले हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप 5'5" हो तो मैं तो आराम से चला रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी।
उस हिसाब से मुझे काफ़ी ठीक लगी बाइक। बाइक का पिकअप भी अच्छा है और जो है पावर भी ठीक ठाक है, और ये आपकी 95 से लेके 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती है अगर आप लॉन्ग रस करेंगे। क्योंकि ये नई मोटरसाइकिल थे तो इसको हम ज़्यादा पुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी लिख के देती है कि आप जो है स्टार्टिंग के किलोमीटर्स बहुत आराम से चलाइए। और ये ड्रम ब्रेक वेरिएंट है, तो अगर जो लोग थोड़ा सा एग्रेसिव राइड करते हैं या थोड़ा सा जिनको और ज़्यादा स्पोर्टीनेस और ब्रेक्स अच्छे चाहिए तो वो इसके डिस्क ब्रेक को प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डिस्क ब्रेक में आपको काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग पावर मिलने वाली है और काफ़ी अच्छा आपको कंट्रोल मिलने वाला है। तो अगर मैं इस मोटरसाइकिल की प्राइस की बात कर लूँ यार, तो ये ऑन रोड 80,100 रुपये की पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।